लेकिन कोई सामने से लड़की कोरिया में बोल दिया, मैं बोला यार ऐसा बहुत कम देखने मिलता है। तो ये जो भी लिया है ये 6,000 won का है, ऐसा बास्केट रखा गया है, इसमें आपको पैसे डालने हैं। वो लेते नहीं है पैसा हाथ में। वाह बड़े खुद्दार है जैन। तो भैया कॉस्मेटिक मार्केट में गुजर रहे हैं, स्ट्रीट फूड मार्केट में गुजर रहे हैं, कपड़े की मार्केट में गुजर रहे हैं, मतलब आप इस मार्केट को कोई भी नाम दे सकते हो क्योंकि सारी चीजें भरपूर है। So what's your name by the way? Oh, I'm Mia Graham. I'm from America. Okay. I've been in Korea for 17 months. 17 months? Yep. So nice. And what about you? What's your name? My name's Hannah, or Sister Whiting. Right now okay. I'm doing some missionary service. We're just doing service. And where are you from? I'm from America. America. Yeah. Which part of America? Like? So I am from Utah. Okay. Utah? By California. Okay, Utah. Yeah. Okay, yeah. Understood. So the song is called Smile. For Smile. Wow. तो दो अमेरिका की बहुत ही टैलेंटेड बंदियाँ मिली। अब पता नहीं दोनों टैलेंटेड है कि एक ही टैलेंटेड है, बट एक तो टैलेंटेड है, अच्छा बजा रही थी और गा भी रही थी वो देख लिया, और मैं जादू बन के घूम रहा हूँ। पहला दिन है ना इसलिए, क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है, अभी 0 degree हो गया है तो आप समझ ही जाओ ठंड लगना लाजमी है। 2-4 दिन रुकूंगा रहूंगा तो थोड़ा ठंडी में मेरे को, यू नो आई एम सेइंग दैट आई एम फीलिंग सो कोल्ड बिकॉज इट्स माई फर्स्ट डे इन कोरिया। यू फीलिंग कोल्ड? Yeah, it is cold. We are missionaries for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and we're so happy to meet him, like, that he's just doing, like, YouTube, super awesome. And I love singing about Jesus Christ. Okay. Yeah, we find a lot of hope through Jesus Christ. Achha, ye to bouncer mere ko lag gaya hai, maine kuch aur socha tha, aur kuch aur sunne mil raha hai, bouncer lag gaya hai mere ko. Ye basically kaise hai bachche ki US se aaye hai, inko bheja gaya hai. So, you were sent from US or you came by your own, like, to spread the message? Yeah, so we came with our church, but we decided to serve a mission. Oh, achha. Inka jo church ka wo group rahega na, church ka group rahega na US mein, to wahan se inko bheja gaya hai, Korea mein wagera, to spread the message of Jesus Christ. Ye maine socha nahi tha ki aisa hoga, main to sirf इन्होंने बोला कि कैमरा हाथ में, तो यू नो यूट्यूबिंग कर रहे हो कि क्या रिकॉर्ड, हमारा भी रिकॉर्ड करो। मैंने कहा कि वाओ कोरिया में, मतलब सामने से कोई लड़की, हालांकि तो फॉरेनर है दिखने से पता चल जाता है, लेकिन कोई सामने से लड़की कोरिया में बोल दिया, मैं बोला यार ऐसा बहुत कम देखने मिलता है। तो मैं बोला कि हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप करो कुछ तो रिकॉर्ड करूँ। तो इन्होंने फिर गाना वाना गाया, प्ले किया वो गिटार विटार। हाँ फिर अभी पता चल रहा है जब मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया कि बेसिकली ये क्या है, मिशनरी, इसको मिशनरी बोलते हैं, अब मेरे को पता चला। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, बाय बाय, हैव अ गुड लक, ओके श्योर। तो क्या हाल है दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, और स्वागत करता हूँ एक नए ट्रैवल वीडियो में कोरिया सीरीज के पीछे ही है क्या। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि बस अभी रात का समय है, सच कहूँ तो रात का समय नहीं है, सिर्फ बजे है 6:45 और यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। मतलब वियतनाम वगैरह में समझ में आता है कि 6 अंधेरा हो रहा है बिकॉज वहाँ सुबह 4-5 ही धूप भी आ जाती है, यहाँ पे तो 7 धूप आती है इतना लेट कोरिया में, ये मैंने आज ही नोटिस किया था सुबह, और रात में जल्दी अंधेरा भी हो जाता है, मतलब यार ये चीटिंग करता है सन यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 पार्टी प्लेसेस है, सबसे नंबर 1 था इटावन। इनफैक्ट सच कहूँ तो मेरी हॉस्टल भी मैंने बुक इटावन में ही की थी, एक ऐसा इलाका जहाँ पे टूरिस्टों का भरमार रहता है और सुपर पार्टी होती है। बट प्रॉब्लम ये हुई थी 5 पहले कि एक बड़ी सी दुर्घटना हो गई थी, बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई थी जिसमें 156 लोग मारे गए थे और उसमें से मैक्सिमम 20 ईयर्स के एज के ब्रैकेट में थे, मतलब सब यंगस्टर्स नौजवान। अब वो हेलोवीन पार्टी का सीन था वहाँ पे, जिसके वजह से छोटे से नैरो लेन में 1,00,000 लोग की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके वजह से
यू नो दबा दबी हो गई, शरीर एक दूसरे का दबने लगा, भगदड़ मच गई आप कह सकते हो, स्टैम्पेड हो गया था, जिसके वजह से इतने लोग मारे गए थे, पूरी दुनिया में वो न्यूज़ फैल गई थी। इनफैक्ट मैं खुद शॉक था, बिकॉज उसके एक दिन पहले ही मैंने फ़्लाइट बुक की थी और मेरा यू नो सब कुछ तैयारी हो गया था टू ट्रैवल टू कोरिया। उसके बाद हॉस्टल वाले को मेल किया कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ इटावन में, मैं दूसरी जगह शिफ्ट करूँगा, तब मैंने ये शिफ्ट किया, वरना वहाँ पे कुछ दिन का 200-300 रुपया कम ही था और पार्टी प्लेस पे था, तो बहुत शानदार वहाँ पे पार्टी होती थी। अभी वो एरिया में सब कुछ बंद है, इनफैक्ट रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, सारी चीज़ें बंद है। कुछ लोग कहते हैं एक हफ्ते के लिए बंद है, कुछ लोग कहते हैं शायद नवंबर पूरा महीना बंद है, पता नहीं मुझे। लेकिन वो जगह पे अगर चालू भी होगा फिर भी जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आई मीन दुखद जगह है, अगर जाओ तो वो श्रद्धांजलि दे सकते हो, इतने लोगों की मौतें हुई है। उसके अलावा क्या ही करने जाऊँ मैं, क्या ही वहाँ पे जाके रिपोर्टरों की तरह शूट करूँ कि देखो यहाँ पे ये गली में 150 लोग मरे, मेरी हिम्मत नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। बिकॉज जाहिर सी बात है अगर दो लोग भी मरते हैं ना तो अपने को डर लगता है कि अरे बाप रे अपन 5 दिन इधर ही रहेंगे, ये एली में हॉस्टल है, 5 दिन इधर ही रुकेंगे, कैसे रहेंगे पता नहीं। सोचो 150 लोग एक ही रात में बिना मौत के मरे, तो कैसे हिम्मत होगी वो एरिया में जाने की। इसीलिए फिर ये एरिया सिलेक्ट किया मैंने, ये है होंगडे इलाका, जैसे आपको पता ही है पिछले वीडियोस देख ही रहे हो। तो बस जैसा कि कहा कि शाम का वक्त है तो निकल पड़े बाहर, म्योंगडोंग जाना है, क्योंकि लिए म्योंगडोंग क्या बोलते हैं, म्योंगडोंग राइट, हाँ म्योंगडोंग में है कॉस्मेटिक मार्केट वगैरह, तो वो एक्सप्लोर करना है। तो मैंने सोचा कि निकलता हूँ, यहाँ से 20 मिनट की मेट्रो राइड लगती है म्योंगडोंग जाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर भी माहौल एकदम हरा भरा है होंगडे ये इलाके में, लेकिन म्योंगडोंग इसलिए जाना है बिकॉज मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करनी थी। तो दो मोहतरमा मिल गई मेरे को यही की लोकल, तो उन्होंने कहा कि हम भी जा रहे हैं वहीं पे मेट्रो स्टेशन, तो आप आ जाइए हम आपको छोड़ देते हैं वहाँ तक। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि मैंने सिम कार्ड नहीं लिया है, आपको पता ही है कैसे लूँगा 2,500 रुपये का, मैं ऐसा नहीं होता है लेना, जब तक गाड़ी चल रही है चलाएंगे, जब अटक जाएंगे तब ले लेंगे सिम कार्ड, वो वाला फंडा दिमाग में रखा है। मस्त बिल्डिंग में इतना बड़ा टीवी लगाते हैं ना कि देखने को मस्त लगता है। यहाँ हर इंसान को इंग्लिश नहीं आती है, हर यंगस्टर को इंग्लिश नहीं आती है, 70-80% यंगस्टर को इंग्लिश आती है, बोलने में भी दम लग रहा है, सब सूख रहा है मेरा होंठ वगैरह क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। टेक लाइन 2 एंड गेट ऑफ एट डोंगडेमुन रेलवे एंड ट्रांसफर टू लाइन 4। अच्छा डोंगडेमुन देन लाइन 4, अच्छा थैंक यू सो मच, बाय बाय। व्हाट टू से थैंक यू इन कोरियन? खमसामनिदा। ओके बाय बाय, खमसामनिगा। ये कुछ 15 मिनट की राइड होने वाली है, तो उसका चार्ज है 100 रुपीज इंडियन करेंसी में, क्योंकि 10,000 की नोट डाली थी और मेरा कटा है 1,850, यानी कि हो गया कितना हुआ 100 रुपीज। ठीक है, कॉन्स्टेंट ट्रैवलिंग करने से ना हेयर फॉल का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने स्टार्ट करा है मामा अर्थ का ऑनियन शैम्पू यूज करना और उसी के साथ मामा अर्थ का ऑनियन कंडीशनर यूज करना। ये दोनों की जोड़ी मेरे को हेल्प करती है टू प्रिवेंट हेयर फॉल। मामा अर्थ के ऑनियन शैम्पू में है ऑनियन एक्सट्रैक्ट एंड प्लांट केराटिन, जो आपके हेयर फॉल रोकने में मदद करता है, और इसका ऑनियन कंडीशनर आपके बालों को स्मूथ और शाइन देता है। तो गाइज आप मेरे बालों की शाइन देख पा रहे हो, बहुत ही शाइन कर रहे हैं, और मामा अर्थ के मेरे को सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगते हैं बिकॉज ये हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं और सारे नेचुरल होते हैं, और एज अ ब्रांड भी काफी पसंद है बिकॉज नेचर का बहुत ध्यान रखती है, मतलब जितना ये प्लास्टिक यूज करती है ना उससे ज्यादा ये रिसाइकल करती है, और तो और इनका टारगेट टू प्लांट ओवर 1 मिलियन ट्री स्टिल 2025। तो गाइज मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आप इनके ऐप या वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो, दोनों ही के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जब भी आप इनके ऐप या वेबसाइट से परचेस करते हो और मेरा कोड डालते हो प्रतीक 2022, तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा चेकआउट पे, और इनके प्रोडक्ट्स नाइका, पर्पल ऐप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी मिल जाएंगे, सारे ही के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी चीजें एक तरफ, सारे लाइफस्टाइल, कपड़े, फैशन सेंस एक तरफ, और साउथ कोरिया का फैशन सेंस एक ही तरफ है, सच कह रहा हूं। मतलब यहाँ पे लोग इतना वो रहते हैं ना कि अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने का है, ब्रांडेड पहनना है, हाई क्वालिटी पहनना है, कलर कॉम्बिनेशन एक नंबर होना चाहिए, मतलब लुक्स बहुत मैटर करता है यहाँ पे। तो ये हम पहुंच गए हैं म्योंगडोंग मार्केट, जो यू नो एसेसरीज के साथ साथ कॉस्मेटिक के लिए भी बहुत फेमस है।
तो अपन आज देखेंगे कि कॉस्मेटिक का क्या सीन है यहाँ पे, कितने के मिलते हैं और क्या क्या मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी फेमस है, तो देखेंगे कि वेजिटेरियन में अपने को क्या ऑप्शन मिल सकता है स्ट्रीट फूड का। तो ये मैंने पूछा, ये वेजिटेरियन है पैनकेक, क्योंकि पैनकेक का फ्लोर और पानी मिलाते हैं और सिर्फ फ्रूट्स है या फिर चॉकलेट है, इन्होंने कहा। थैंक यू सो मच। तो ये जो भी लिया है ये 6000 वॉन का है, ऐसा बास्केट रखा गया है, इसमें आपको पैसे डालने हैं, वो लेते नहीं है पैसा हाथ में। वाह, बड़े खुददार है। बनाना और न्यूटेला का जो कॉम्बिनेशन है ना, मस्त है। ये स्ट्रीट में सच में कह रहा हूँ, मतलब स्ट्रीट फूड के हिसाब से तो बहुत सही है। अभी एक नई चीज़ देखने मिली है, फ्रूट्स कैंडी। ये फ्रूटी है, मतलब कुछ तो फ्रूट है ये, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे किलो के हिसाब से, बॉल के हिसाब से, ऐसा फ्रूट है, आप ले सकते हो। या फिर कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है, सिर्फ ये शुगर कोटिंग कर रहे हैं, मतलब शक्कर का पानी पिघला के ऊपर डाल रहे, दैट्स इट। और ये हो जाता है तैयार अपना शुगर कैंडी, ये भाई साहब खा रहे। ये ब्रांड है ना बहुत फेमस है, इनिसफ्री। एक इनिसफ्री है और एक ऑलिव करके एक ब्रांड है कोरिया की, जिसके मेकअप बहुत फेमस है। और बता दूँ यहाँ पे मेकअप इतना क्रेज है ना कोरिया में, चाहे लड़की हो या लड़का, बच्चा हो या बूढ़ा, हर एक किसी को यहाँ पे मेकअप करना है। जी हाँ, सही सुना है, लड़के लोग भी यहाँ पे मेकअप करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कल्चर है अच्छा दिखना, चाहे कुछ भी हो जाए इनको अच्छा दिखना है, कितने भी पैसे लग जाए, लोन भी लेना पड़े, लेकिन महंगे कपड़े पहने, ब्रांडेड कपड़े पहने। आप अगर मेरे वीडियो देख ही रहे हो, हालांकि ज़्यादा वीडियो अब तक अपलोड नहीं करे हैं, मेरे को भी ज़्यादा दिन कहा हुए हैं, एक ही दिन हुआ है, तो आप देख पा रहे हो कि लोग कपड़े अच्छे हिसाब से पहनते हैं, स्पेशली लड़कियाँ एक से एक पहनती है, चाहे कपड़े हो जाए या फिर हाथ में पर्स हो गया या फिर कुछ भी यूज़ करते हैं ना, वो लोग अच्छा करते हैं। और इनफैक्ट मेकअप 10,000, 1+1 फ्री, बाय वन गेट वन। तो भैया कॉस्मेटिक मार्केट में गुजर रहे हैं, स्ट्रीट फूड मार्केट में गुजर रहे हैं, कपड़े की मार्केट में गुजर रहे हैं, मतलब आप इस मार्केट को कोई भी नाम दे सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें भरपूर है, पब्लिक भी भरपूर है। और मेरे को यार दो दोस्त मिल गए, दो मोहतरमा, आप देख सकते हो, कमिलिया एंड यसेनिया, राइट? यसेनिया, कमिलिया US से आए हैं, और टूरिस्ट है, ये भी घूम रहे फिर रहे, तो वही अपने हाथ में कैमरा है, तो एक दो सवाल जवाब हो ही जाते हैं, उसके वजह से बातें हो जाती है, उसके वजह से थोड़ी दोस्ती बन जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी मेरे को खरीदना है कुछ फेस मास्क वगैरह, क्योंकि यहाँ पे सेल वेल चल रहा है, जैसे कि आपने देखा ही है। तो एक तो है सेल वाला और एक है विदाउट सेल। सो इज दिस अ गुड ब्रांड इफ यू नो? यू नो, सो आई वॉन्ट टू बाय एक्चुअली। So, have you heard about this brand, or maybe this is good? Like, I don't know. Snail is very popular here. Snail is popular? Mm-hmm. Great. चलो, मेरे को भी पता है कि Snail company अच्छा है, नाम है, तो मैं सोचा कि Snail का खरीद ही लूँ। बाजू में बगल में 10,000 वॉन का था, 1+1 था, और यहाँ पे सिर्फ 5,000 का एक है, मतलब आप समझ जाओ ऑफर नहीं है, वो दो बेचने के साथ में निंजा टेक्निक है। तो अपन ये खरीद लेते हैं, इसमें 10 पीस है, मतलब एक पीस पड़ेगा 28 रुपीस इंडियन करेंसी का। रॉयल स्कीम हो गया, रितिका खुश हो जाएगी। एंड वन ऑलिव ब्रांड इज देयर, राइट? ऑलिव यंग इज गुड, राइट? अच्छा, एक ऑलिव यंग सबसे अच्छी ब्रांड है, इनिसफ्री भी अच्छी है, और ये स्नेल कंपनी की भी अच्छी है, फेस मास्क अच्छा बनाती है। तो इस हिसाब से पूछ के, जांच के, पड़ताल के, लोगों से राय लेके अपन ने ये सस्ते में 5,000 वॉन का ये खरीद ही लिया। सो आर यू स्टूडेंट और यू केम फॉर हॉलीडे? हॉलीडे, जस्ट यू बोथ? अरे वाह, कूल। ओ, देर इज ऑलिव यंग, आई वॉन्ट टू गो देर, सो आई से यू गुड बाय। Thank you so much for helping me to buy this product. Okay? Bye bye. Take care. घर से मेरे को बताया गया है कि यहाँ पे कॉम्पैक्ट फाउंडेशन, ये सब चीज़ें अच्छी मिलती है इस ब्रांड की। देखते हैं अगर सेल वेल में मिलेगा तो ले लेंगे, है ना। अच्छा, एक रास की बात बताओ, ये आपको दिख रहा है सब टेस्टर, ठीक है, ये सब आपको खाली दिखेंगे, आई मीन बहुत यूज़ होता है ये भी, क्यों पता है?
चलो बड़े लोग तो करते ही है चेक करने के लिए फिर खरीदने के लिए, लेकिन जो कॉलेज जाने वाले स्कूल जाने वाले बच्चे लोग हैं ना, यंगस्टर्स, लड़कियां लोग स्पेशली, वो सब यहाँ आते हैं स्टोर में और ये सब करके ही स्कूल वगैरह जाते हैं, यही से मेकअप करके जाते हैं और ये फैक्ट है। जी हाँ, सुनकर बिल्कुल अजीब लगेगा लेकिन ये फैक्ट है कि स्कूल के बच्चे लोग आते हैं स्कूल से पहले या फिर स्कूल के बाद और थोड़ा बहुत लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट लगाते हैं, फिर जाते हैं अपने घर या फिर अपने स्कूल में। ट्राई मी, मुझे इस्तेमाल करो। ये जो सेंटर है ना, मेरे को बहुत सही लगा ये पूरे एरिया में, बिकॉज आप देख लो चारों लेन मार्केट से भरी हुई है और चारों लेन कितनी हसल है, बसल है, आई मीन पब्लिक से भरी हुई है, स्ट्रीट फूड्स है, मेकअप के शॉप्स है, स्टोर्स है और क्या नहीं है, एसेसरीज की दुकानें है, बहुत कुछ है मतलब। ये एक और बढ़िया सी चीज़ दिख गई, ग्रिल चीज़ और बेक चीज़, 5,000-5,000 won, 5,000-5,000 won मतलब आप पकड़ के चलो 250 रुपया, 260 रुपीज़ का हो गया। चीज़ है और बीच में जो वाइट है ना वो राइस का बनाया हुआ है, और सॉस नहीं लेना है बिकॉज सॉस में हो सकता है एगो, तो मैं विदाउट सॉस का सोच रहा हूँ एक ले लेता हूँ, है ना। इज इट गुड? व्हाट्स योर नेम बाय द वे? क्लेयर जैन। ये दोनों मोहतरमा सिंगापुर से, मैंने कहा कि मैं भी अभी कोरिया से सिंगापुर ही जाऊंगा। एनीवेज बाय। तो अभी सोच रहा हूँ कि बस निकल जाता हूँ वापस मेट्रो पकड़ के अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि सच में काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। एक दो दिन बॉडी को अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद रात को तो नाइट लाइफ भी जा सकूंगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, जिसमें हम हॉस्टल से निकल के म्योंगडोंग मार्केट गए थे, वहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग किया, हल्का फुल्का स्ट्रीट फूड बताया आपको, वहाँ का माहौल बताया कि कैसा अलग है और सारी चीज़ें बताई वहाँ पे। इसी तरह बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो भी कर देना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कोरिया सीरीज ऐसी धमाकेदार, कुछ नया आपको हमेशा देखने मिलेगा, ठीक है। लव यू ऑल, बाय।